Let's continue with the legal terms we left over yesterday. कुछ terms करेंगे and then we'll switch over to the next topic. So let's start with the term parole. It is a conditional release. सशर्त अगर किसी को छोड़ा जाता है तो उसको पैरोल बोलते हैं. इट इज़ अ कंडीशनल रिलीज. देन पॉपर और इंडिजेंट और पुअर whose annual income is not enough to fulfill the basic requirements, right? Then हमने ओथ किया था, नोटरी किया था, तो उसी में है कि अगर ओथ को कोई वॉयलेट करता है, भंग करता है, शपथ भंग करता है तो उसे कहा जाता है परज्यूरी. वॉयलेशन ऑफ अ प्रॉमिस मेड ऑन ओथ. परपेचुअल वर्ड होता है शाश्वत, और मोस्टली कंपनी में, कंपनीज लॉ में काम आता है. अदरवाइज़ हम बार काउंसिल्स का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसमें भी जो सेक्शन 5 है वो कहता है कि इट इज़ लाइक अ कंपनी. और क्योंकि कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक होता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि लास्टिंग फॉर एवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई मेंबर्स हैं कि नहीं हैं, द डेजिग्नेशन, द प्लेस, द इंस्टीट्यूट, द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स फॉर एवर. शाश्वतता इज परपेचुअल. देन देयर इज अ वर्ड पॉलीगैमी. पॉली मीन्स मैनी एंड गैमी इज ऑलवेज रिलेटेड, द वर्ड गैमी इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फीमेल्स. So marrying many females at a time is polygamy, while marrying two females at a time is bigamy. If the question comes marrying more than one female, तो आप लोग bigamy नहीं लिखेंगे, polygamy will be the right answer, because bigamy refers firmly to the word or to the number two. लेकिन polygamy is more than one, it can be two, it can be three. लेकिन अगर more than one है तो वो कितने भी हो सकते हैं, आप उसको bigamy पर ला कर के restrict नहीं कर सकते. So if in case the स्टेटमेंट कम्स और द क्वेश्चन कम्स मैरिंग मोर देन वन फीमेल एट अ टाइम, तो आप लोग पॉलीगैमी लिखेंगे एंड नॉट बायगैमी. देन प्रीएम्बल. एज यू ऑल नो, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, एनी कोड विच गिव्स यू द प्री इंफॉर्मेशन, जो आपको पूर्व सूचना देता है उस एक्ट के बारे में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अंदर क्या है, उसके कंटेंट क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रीएम्बल कहलाता है. सो इट इज़ अ रिसाइटल एट द beginning
of some acts to explain the mind of makers. Act भी हो सकता है, constitution भी हो सकता है, तो किसी भी चीज़ का initial एक जो प्रीव्यू होता है जिस तरह से, उसी को प्रीएम्बल की तरह डिनोट कर सकते हैं. एक्सप्लेन्स द माइंड ऑफ मेकर्स, जो सोच के वो बनाया गया है, ऑफ द एक्ट्स, उद्देशिका, इसको हिंदी में उद्देशिका कहते हैं. प्रोक्लेमेशन आपने वर्ड सुना होगा, मैंने कई बार ही बोला है इसमें. तो प्रोक्लेमेशन क्या है? It is the official and formal public announcement. एक तरह से अनाउंसमेंट होता है, लेकिन ये ऑफिशियल होता है, फॉर्मल होता है, फॉर द पब्लिक होता है, इन द पब्लिक होता है. इसको प्रोक्लेमेशन कहा जाता है. देन क्वासी जुडिशियल. क्वासी शब्द हमेशा जैसे के लिए आता है. तो दी एक्ट, द जुडिशरी, द डिसीजंस आर ऑलमोस्ट लाइक द कोर्ट्स डिसीजन. सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली जुडिशियल, बट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द कोर्ट्स डिसीजन. इसको हिंदी में कहा जाता है न्यायिक कल्प. And it means कि इसके पास qualities sharing the qualities approximately sharing the qualities approximately to what is judicial. न्यायिक गतिविधियों जैसा होता है, उसकी वही वैल्यू होती है, बट नॉट कम्प्लीटली जुडिशियल. सेवरेबल सीवर, जिसे डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथककरण का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, प्रिंसिपल होता है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा. तो सेवरेबल इज जिसे अलग किया जा सकता है. तो कुछ ऐसा पार्ट होता है कई बार लॉ में जिस जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, या फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल राइट्स के पैरेलल नहीं चलता है, तो उन चीज़ों को हम सीवर कर देते हैं या हटा देते हैं. तो कैपेबल ऑफ बीइंग सीवर्ड या हटाने लायक. एक है आपके डिफेमेशन में आते हैं स्लेंडर और लाइबल. दो टर्म्स आती हैं. स्लेंडर होते हैं वर्ड्स, तो ऐसे वर्ड्स विच words which defame the, mostly tort में काम आता है ये, words which defame the other person's identity, or in other words defamatory words. Then there is uterine, uterine blood. Uterine is always the word related to females. So descended या maternal side से related आपका relation या कोई bonding,
उसको यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं। जो मदर की साइड से आप किसी से बॉन्डेड होते हैं तो दैट इज़ यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप, बीइंग डिसेंडेड फ्रॉम या एक ही माँ के जो बच्चे हैं सारे उनको यूट्रिन ब्लड होते हैं, यूट्रिन ब्लड कहा जाता है। बिकॉज समटाइम्स अ वुमन मे मैरी अनदर मैन, तो जो उसके एक ही वुमन से जिसके जो बच्चे हैं विद द सेम मैन इज द यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप। वाइल इफ देयर इज अनदर फीमेल देन दोज चिल्ड्रन विल बी डिफरेंट एंड दी वन बॉर्न विद दी ए फीमेल विल बी डिफरेंट एंड दे विल ऑल बी बॉन्डेड बाई दी यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप। सेम फादर बट टू डिफरेंट मदर्स। वेव, वेव इज रेलिंक्विश, रिलीज कर देना अपने राइट्स को, अपने आप आपका जो अधिकार हैं उनको छोड़ देना, त्याग देना इज रेलिंक्विश। एंड वेवर इज इंटेंशनली रेलिंक्विशमेंट ऑफ दी राइट। जैसे राइट टू लाइफ आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप उसको इंटेंशनली छोड़ रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं इसमें स्लिप ऑफ माइंड रहा है, संथारा कहते हैं और वैसे मुझे वर्ड रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, इंटेंशनली रेलिंक्विशिंग द राइट। तो आप खुद अपनी मर्जी से अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ देते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज वेवर, यूथनेसिया। यूथनेसिया या इसको संथारा कहा जाता है, जो जैनिज्म में बहुत कॉमन होता है और विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर एंड कीपिंग द रिलीजियस एस्पेक्ट इन माइंड द हेल्थ, इट इज सम पीपल टेक दिस यूथनेसिया और द राइट टू डाई। और दिस इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन दो, बट वेवर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हम अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं उसे वेवर कहा जाता है। देन देयर इज विल, पर्संस विलफुल एंड formal declaration to the disposal of his or her property or other matters to be performed after his or her death। अपनी इच्छा से लिखी गई, एक फॉर्मल फॉर्मेट में लिखी गई, डिक्लेयर करती हुई अपनी प्रॉपर्टी को अपने हायर्स के लिए, उसकी डेथ के बाद, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे कहा जाता है विल। These much latent terms are enough for right now, or now we'll start with little bit of pair of words or paronyms ya paronyms kya hote hain, words which sound alike but are different। So we'll start with some of the paronyms। Like illicit, ये बोलने में एक जैसे होते हैं
लेकिन देयर मीनिंग इज़ डिफरेंट. इसका एलिसिट मतलब होता है टू ड्रॉ आउट इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन. To draw out information or opinion. Like I'm, Meena is trying her best to elicit information on the secret mission carried out by the students last month. एलिसिट मतलब निकालना, बताना ऐसी चीज़ जो कि मालूम नहीं है. एंड एलिसिट दोनों एक जैसे ही प्रनाउंस करते हैं. एलिसिट इज अनलॉफुल, अवैध. लाइक द सेल ऑफ लिकर इन गुजरात इज़ एन एलिसिट एक्ट. Then dissent. Dissent and dissent is this dissent is fine, nice, good looking, and this dissent is disagreeing और असहमति. disagreeing और असहमति. when there is a constitutional bench, there may be dissent of opinions among the judges, but finally they conclude on one common unanimous decision. so dissent is disagreeing to something. Then seize is khatam ho jana, band hona, to come to an end. Like the fire was seized when the ambulance came or when the fire brigade came, to come to an end. Ruk jana, samapt ho jana. And seize is to catch or to hold off. कोई चीज़ को जब्त कर लेना, या कोई चीज़ ऐसी है जो इलीगल है या नहीं पकड़ में आ रही और उसको पकड़ लेना. टू कैच और टू होल्ड ऑफ. लाइक द कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल्स शुड बी सीज्ड ऑफ ड्यूरिंग. लाइक एग्जाम्पल इसका सेंटेंस के साथ है, आर्टिकल्स शुड बी सीज्ड ऑफ ड्यूरिंग वॉर. फिर है स्टैचू है इमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इन मेटल, स्टोन, मार्बल एक्सेट्रा. मूर्ति जिसे कहते हैं इज स्टैचू, एंड द अदर वर्ड इज स्टैच्यूट. स्टैच्यूट इज लॉ विच इज पास्ड बाय
parliament. And the last paronym we'll do today is अभी हमने लेटिन टर्म में भी किया था वेव. वेव इज टू लीव और टू टू लीव और टू गिव अप is wave. Like we cannot waive the fundamental rights as per the Indian constitution. And the other wave is vibrations. This wave you can see in water, you can hear in air in the form of sound waves. तो ये ऐसी कंपन होता है जिसको कि वेव कहा जाता है. वेव्स ऑफ द वाटर केम एंड वाइप्ड अप ऑल द वैल्यूएबल्स फ्रॉम द टेबल. सो दिस इज वाइब्रेशन ऑफ वाटर भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है. आज ही हम थोड़ा वील एंड अप विथ फाइव सब्स्टिट्यूट्स. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, जस्ट द फाइव ऑफ इट एंड द रिमेनिंग हम कल करेंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स आपको इसमें लाइन आएगी और आपको सिर्फ वन वर्ड लिखना है. और ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है एग्ज़ाम में, जिसमें कि आपको सिर्फ याद करके एक वर्ड लिखोगे और आपके नंबर कहीं नहीं जा सकते हैं. प्रोडिगल, वन हु स्पेंड्स हिज और हर मनी रेकलेसली. नेक्स्ट इज, मैंने आपको पहले कराया था लेटिन टर्म्स में, अगर आपको याद हो तो. व्हाट इज डोमिसाइल? डोमिसाइल एक तरह से मूल निवासी प्रमाण पत्र जो होता है, आप एग्ज़ाम्स और उसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको ज़रूरत होती है. अ प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल resides for couple of years. फिर है abscond. Abscond is a person who conceals himself herself, कुछ भी हो सकता है, himself or herself from the process of, यानी किसी के पीछे पुलिस पड़ी है पकड़ने के लिए और आप अपने आप को छुपा रहे हो या भाग रहे हो किसी जगह से, तो दिस इज एब्सकॉन्डिंग और एब्सकॉन्ड. देन फेडरल, आपको पता होगा व्हाट इज फेडरल. अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जिस्ट इन द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट. अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट provided by the constitution, provided by the constitution which exists in the center as well as the
state. And now the last is posthumous. Award given to the person after his or her death. So, last और कर लीजिए. Patrimony is estate. Estate is property. Estate inherited from one's ancestors. पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं, that is patrimony. So we end up with this and let's start with the new class tomorrow.